हेलो फ्रेंड्स, आज की जो हम वो वीडियो लेकर के आए हैं, ये वीडियो होगी हमारे जेड प्लांट के ऊपर। तो मेरा आप ये जेड प्लांट देख रहे हो, काफ़ी हेल्दी प्लांट है। और नॉर्मली जेड प्लांट जो है कटिंग से ग्रो किया जाता है और इसको टोपियारी या बोनसाई बनाने के यूज़ में लिया जाता है, तरह तरह की शेप्स में बनाने के लिए यूज़ में लिया जाता है। बहुत खूबसूरत प्लांट है और बहुत इजी टू ग्रो ये प्लांट है। ठीक है, ये मेरा जेड प्लांट जो है एक हैंगिंग बास्केट में मेरा लगा हुआ है। और आप मैंने ये देखिए, ये पतली सी मैंने स्टेम ली थी, कितनी बड़ी स्टेम, ठीक है, इतनी बड़ी मैंने स्टेम लगाई थी। और इतनी बड़ी स्टेम से आप देख रहे हो कितना ज़्यादा बुशी हो गया। तो बुशी करने के लिए क्या चीज़ करनी है, सबसे पहले चलिए इसकी ग्रो के बारे में बात कर लें। ग्रो कैसे करना है, आपको ये इजीली नर्सरी में भी मिल जाएगा। यदि आप किसी के घर पे जाते हो और आपको कोई प्लांट दिख जाता है ये, तो आप इसकी छोटी सी ब्रांच उनसे रिक्वेस्ट करके ले सकते हो और इसको आप ग्रो कर सकते हो। सॉइल ये जो है बालुई सॉइल मांगता है ज़्यादातर, जो है इसको सॉफ्ट सॉइल पसंद होती है। देखिए थोड़ी सी दबी हुई, मतलब ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं, दबी हुई सॉइल जो नॉर्मल हम लोग प्लांट्स में यूज़ करते हैं वो सॉइल को पसंद होती है। वाटरिंग की बात कर लें, पानी हमें तभी देना होता है जब इसकी जो ये सॉइल है ये खुश्क होने लग जाए, सूखने लग जाए। लिक्विड फर्टिलाइज़र की बात कर लें तो प्लांट्स के हिसाब से, छोटे बड़े के हिसाब से 15 दिन के गैप में आप इसको जो है गोबर खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र डालेंगे, ठीक है। और सनलाइट आपको इसे 3 से 5 घंटे की सनलाइट आराम से जो है ले लेता है, ठीक है। चलिए आइए अब हम लोग इसकी जो है ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। इसको बुशी करने के लिए आप इसकी जो ऊपर से ये देख रहे हो इनकी लीफ को, दो लीफ जो है ये देखिए कट आप कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए इस टाइप से मैंने जो है ये 4 लीफ निकाली, ठीक है। इस टाइप से आप निकाल दोगे तो उसके बाद आप 15 दिन बाद जब देखोगे तो ये देखिए इस टाइप से ये जो है आपको दिख रहा होगा। फोकस करके देखिए, मैंने इसको कट करा था और उसके बाद ये जो है 2 स्टेम निकल करके आई हैं। इसी तरीके से आप जो है इसमें 10 से 15 दिन में जो है हमें इसमें से 2 स्टेम निकल करके दिखाई देने लग जाएंगी। और जो भी हम टोपियारी बनाएंगे वो आप लोग के साथ शेयर करते रहेंगे। उससे पहले एक हम्बल सी रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए ठीक है, इस टाइप से आप इसको कट करते रहेंगे तो आपका प्लांट जो है बुशी होता रहेगा। यहाँ पर भी हम जो है इसको ये देखिए कट कर देंगे, ठीक है। कट करने के बाद वो लीफ वेस्ट है। यदि आपका प्लांट बड़ा है और आपको कोई शेप देनी है तो आप इसकी प्रूनिंग करेंगे। यदि आपका प्लांट छोटा है और आपको बुशी बनाना है तो आप इसकी जो है पिंचिंग करेंगे, ठीक है। और आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा हेल्दी प्लांट है और उसमें एक मिली बग लगता है। इसके लिए आप नॉर्मली जो है स्प्रे बोतल से उनको हटा सकते हो और नहीं तो आप जो है नीम ऑयल का यूज़ करिए, ठीक है। और थोड़ा भी जो है मेरा डल इसलिए दिखाई दे रहा है, यदि आप इसको धूप नहीं देंगे ग्रीन नेट के नीचे या शेड में रखेंगे तो आपका एकदम ग्रीनिश दिखेगा, धीरे धीरे स्लो ग्रोथ करेगा। आप इसको एकदम सनलाइट में रखोगे 2 से 3 से 4 घंटे की धूप मिल जाएगी आराम से इसको, तो ये इस टाइप से थोड़ा डल रहेगा और अच्छी ग्रोथ आपको इसमें एक्टिव ग्रोथ दिखेगी। आप शेड में रखोगे तो आपको एक्टिव ग्रोथ नहीं दिखेगी, आपको घना और काफ़ी हेल्दी दिखेगा। लेकिन वो जैसे ही एक्टिव ग्रोथ है ना, ये न्यू लीव्स आ रही हैं, ये देख रहे हो ये न्यू लीव्स आ रही हैं, ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। अभी मुझे आप बताइए इसकी शेप देख करके, पहले सबसे पहले आप प्लांट को जो है अच्छे से ग्रो कर लीजिए। जैसे जा रहा है वैसे ग्रोथ कर लेने देंगे हम लोग, उसके बाद देखेंगे कि क्या इसका हमको शेप बनानी है। आधी शेप जो मुझे बनानी है, मेरे को जहाँ तक लग रहा है पिकॉक की मुझे शेप बनानी है। ये इसकी फेस वाली साइड हम लोग लेने की कोशिश करेंगे और ये जो है पिकॉक के पीछे के जो होता है वो हम लोग लेने की कोशिश करेंगे। और छोटे से छोटे पॉट में ग्रो हो जाता है। देखिए मैंने बिल्कुल एक हैंगिंग बास्केट में, और ज़्यादा सॉइल भी नहीं है इसमें, थोड़ी सी सॉइल है, ये देखिए इसमें मैंने इसको जो है लगाया हुआ है। तो उम्मीद है आप सब लोग को ये जो है समझ में आ रहा होगा किस तरीके से केयर करनी है और किस तरीके से इसे बुशी घना बनाना है हमें। अगर आप लोग चाहते हो उसकी कटिंग ग्रो करके दिखाएं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा और बहुत जल्दी हम लोग जो है वीडियो आप लोग के साथ लेकर के आएंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।